भाई आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ लोग हमारे आजू बाजू में ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, हाइपर सेंसिटिव है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, तो उनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहती है। मतलब उनका व्यक्तिमत्व जो है वो शकीला स्वभाव रहता है, शकीला व्यक्तिमत्व रहता है। तो ये होता क्या है, उनको क्या लगता है कि कुछ भी आजू बाजू में हो रहा है तो उनको लगता है कि मेरे बारे में हो रहा है, ऐसा उनको शक आते रहता है। उनको ये लगता है कि लोग जो है वो मेरा गलत फायदा उठाएंगे, लोग मुझे धोखा देंगे, लोग मेरे को फंसा देंगे, इसलिए लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग मुझे चीट करेंगे, फंसा देंगे, ऐसा उनको लगता है और लोगों के ऊपर वो शक करते रहते हैं। कुछ भी एक्शन, मतलब आजू बाजू के लोगों की कुछ भी एक्शन होते रहती है तो उनको लगता है कि नहीं, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। मतलब वो बहुत ज़्यादा उसका दोस्त भी होगा, गहरी दोस्ती होंगी या उनका लाइफ पार्टनर होगा, उनके साथ में भी वो शेयर नहीं करेंगे। उनको लगता है कि मैं जो बोलूँगा ना तो ये उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, मुझे धोखे में डालेंगे। फिर ये बहुत रिएक्ट करते रहते हैं और इनका यदि अपमान हुआ तो वो माफ़ नहीं करेंगे, बहुत एक्सेसिव रिएक्ट करेंगे और माफ़ नहीं करेंगे। कुछ भी आजू बाजू में घटना हो रही है तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो भी गलत हो रहा है और ये इससे मुझे धोखा हो जाएगा और मुझे तकलीफ हो जाएगी। तो कुछ भी घटना होती है तो उसको सेल्फ रेफरेंस लेते हो, मतलब उनको लगता है कि नहीं मेरे बारे में। स्पेशली इनका स्वभाव जो है वो शकीला है, इनके साथ में जो लोग रहते स्पेशली उनकी लाइफ पार्टनर, तो उनके ऊपर वो शक करते रहते हैं। फिर अपने दोस्त उनके ऊपर शक करेंगे और आजू बाजू वाले सब लोग, उनको लगता है कि नहीं ये वातावरण जो है ना ये मुझे मतलब कंडीशन नहीं है, ये घातक होने वाला है और मुझे कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा कि मैं लफड़े में आ जाऊंगा, कोई मतलब मुझे फंसा देगा। और वो हरदम ऐसे वॉचफुल रहते थे, वॉचफुल एकदम ऐसा, और हरदम सतर्क रहते थे, कुछ तो भी हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसा ये उनका पर्सनैलिटी। अदरवाइज ये लोग एकदम नॉर्मल है, अदरवाइज वो काम धंधा करेंगे और इनके साथ रहना बहुत बाकी लोगों को बहुत तकलीफ वाला हो जाता है क्योंकि एकदम हर बार शकीला। ऐसा मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे एक शकीला स्वभाव का है, तो हम समझो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो समझो रास्ते में जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो उन्हें देख पीछे से गाड़ी आ रही है ना, पता नहीं क्या कर रहा है वो, अपना पीछा तो नहीं कर रहा है, जरा देख ले एक बार, ऐसा कर जरा रुक दे गाड़ी, उनको आगे जाने दो, कुछ तो भी करेंगे, देखो गाड़ी में 3-4 लोग है, अपने कुछ कर लेंगे क्या, मतलब वो ऐसा मुझे सतर्क कर रहा था। उनको ऐसा लगता है कुछ तो भी हो जाएगा, कुछ तो भी गलत हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो बहुत मतलब ऐसे हरदम कुछ ना कुछ ऐसा शक करते रहते और अपना अपने व्यक्तिमत्व बताते रहते। अच्छा ये लोगों का एक ये है कि ऐसा कुछ तो स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया कि इनका बम फूट जाएगा और वो पूरे साइकोटिक हो जाए, क्योंकि पहले ही वो बॉर्डर लाइन पे चल रहे, पहले बॉर्डर लाइन है, पहले वो खुद को एडजस्ट करते करते जा रहे और अभी कुछ तो स्ट्रेस आ गया। अभी वो स्ट्रेस कैसा है, समझो लॉस हो गया बिजनेस में या किसकी मृत्यु हो गई या फिर कोई बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, घर का व्यक्ति बीमार हो गया या बुखार आ गया बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें उनका जो अभी तक जो उन्होंने सिस्टम बना के रखी थी कि वो जो बीमारी है आगे आने वाली उसको रोक रहे थे, अभी वो जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो थी, वो इम्यून सिस्टम थी, वो ब्रेक हो जाती है और वो पूरा साइकोटिक होने की संभावना रहती है। तो ये जो ऐसे लोग हैं जिनको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, व्यक्तिमत्व में प्रॉब्लम है, बाकी ये ठीक रहते तो उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है। यदि वो साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं और उनके स्पेशली लाइफ पार्टनर ने करना चाहिए क्योंकि उनको तकलीफ है। अच्छा ये लोग मानते भी नहीं, बोलते कि मैं जो कर रहा हूँ बराबर है, देखो मैं कितना केयरफुल रहता हूँ, देखो मैं कितना सतर्क रहता हूँ, तो उनको ऐसा मतलब लगता भी नहीं कि अपने को बीमारी है, तो उनको प्यार से लेके जाना, काउंसलिंग करना और काउंसलिंग करके उनको यदि वो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और वैसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, तो ये लोग ठीक हो सकते हैं। पर्सनली ठीक करना वैसा कोई आसान नहीं है, मगर उनके लिए इच्छा है तो पॉजिटिव अफर्मेशंस, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस सेशंस, साइकोथेरेपीज, इससे उनका जीवन जो है वो गतिमान हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है और बाकी लोगों को भी उनके साथ में जीवन जीने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कम अधिक मात्रा में, मतलब 1 से 10 समझो ऐसा रखा उनका मार्क्स देना,
तो उसमें कुछ लोग एकदम एक के तरफ होंगे कि कुछ शकीले नहीं है, और 10 मतलब बहुत ज्यादा शकीले है, तो इसके बीच में 5-6 में बहुत लोग होंगे। सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अपने बारे में कुछ ना कुछ सपोर्ट ले सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।